हाँ भाई, शबादे और शबादे मेरे पुराने जिगरी यार। हाँ भाई, क्या चीज लेनी है? ये दवाइयों वाला स्टोर हमने बनाया है ना, शुजात को हमने जो है ना, शुजाते को चौधरी को हमने नौकरी दे रख लिया है। कौन सी दवाई लेनी है? होम्योपैथ वाली दवाई मेरे पास है, बलैती दवाइयाँ भी मैंने रखी हैं, स्टोर बड़ा सा मैंने डाला है। लगता है कि आप भी कोई दवाई लेने आए हैं। दिखाओ पर्ची शर्ची, जो दवाई लेनी है बताओ, आपको देते हैं। कौन सी दवाई लेनी है? मेरे ख्याल में कोई खांसी बुखार आपको होगा, टांगों में दर्द भी होगा, हो रहा होगा ना, क्योंकि आपने माल छाल बड़ा खाया है ना, हलाल का माल सारी जिंदगी खाया मेरी तरह। मैंने तो अभी दुकान बनाकर अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आखिरी जिंदगी में हलाल का कमा कर खाऊं। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ, जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हाँ, अरे बड़ी प्यारी दवाई मिल भाई, मेरी मेरे एक मशवरा है, आपका मशवरा है। मेरे ख्याल में इसके जो है तकलीफ हो रही है ना, ये दवाई लेने आया है शेख, हाँ शेख हो, ये जो लेने आया ना चौधरी शेख शहबाज शबी मियाँ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ, वो लेनी हो दवाई। ये मुफ्त हो रहा है, मुफ्त मुफ्त कोई दवाई लेनी होगी, इसके पास पैसे नहीं होगी। मैं जानता हूँ अभी इनके बुरे हाल है ना, ऐसे मुफ्त की दवाई लेने आया होगा ना। देखो ना, मैं तो आपके मुँह खार हूँ ना, अभी आपने मुझे नौकर रखा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आपके पास तनख्वाह ले रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, ये आया तो है मेरे ख्याल में कुछ दवा लगाने के लिए आया होगा ना, सारी जिंदगी दवा लगातार आया। मेरा पड़ोसी है ना ये लोरी, मेरा मियाँ शहबाज, तो मैं इधर गुजराती हूँ। देखो ना, तो मैं जानता हूँ पैसे लो तो तब दवाई दो, नहीं तो इसको दवाई तो नहीं देना, ठीक है ना मेरे प्यारे जरदारी। देखो ना, अभी ये आपको इससे पूछे ना, पैसे आपके पास हैं नहीं है तो इसको बाहर निकालो। कभी ये सुना है कि ये शहबाज शरीफ खादिम आला जी, खादिम आला क्या करने गया बाहर, भाग के बाहर इलाज करवाने जाता है। हाँ यार, मैं इलाज तो बाहर ही करवाने जाता था, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ 40 करोड़ तक नहीं है यार। और चौधरी शुजात तो ठीक ही कह रहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है यार, मुझे कुछ उधारी दवाई दे दें। मेरे पास जब पैसे आएंगे, मजदूरी करूँगा तो आपको दे दूँगा यार। अभी अब हालात बड़े ख़राब हैं आपका बेली यार जो है ना, हाँ नियाजी, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, नहीं हमारा यह पीछे छोड़ रहा है, रात और दिन हमारी सिर दर्द ही बना हुआ है यार। मुझे थोड़ी सी मेडिसिन दे दें, मैं कोई दवाई खा लूँ यार, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ना। फिर आपको मैं मजदूरी कर के पैसे दे दूंगा, इसलिए देखा था, नज़र आया कि आपका स्टोर आपने बनाया है, तो मैं इधर से गुजरा तो देखा चलो मैं आपके स्टोर पर जाऊँ, कुछ मेडिसिन ले लूँ। आपकी मेहरबानी होगी मेरे प्यारे भाई दरदारी, और जो जाते हुए यार मेरी सिफारिश कर दे, मेरा पड़ोसी है। कहाँ से आते हैं? प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी के आल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा हर नया आने वाला सियासत पर मबनी फ़नी खाका आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इसका किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, सिर्फ आपको इंसाने के लिए ये देसी और फ़नी खाके बनाए जाते हैं, जस्ट फॉर फन आर्ट रियली। थैंक्स।